टिंकू पिंकी को कॉल करता है। अरे टिंकू का कॉल, हेलो टिंकू, बोलो क्या बात है? हेलो पिंकी, मैं घर पे बोर हो गया हूँ, चलो घूम के आते हैं। ठीक है टिंकू, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर पिंकी फिर टिंकू के घर जाती है। पिंकी टिंकू के पास आती है और बोलती है, टिंकू चलो फिर घूम के आते हैं। फिर वे घूमने के लिए निकलते हैं। पिंकी और टिंकू घूमते घूमते जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर अचानक से पिंकी को एक दीवार दिखाई देती है। क्या हुआ पिंकी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई? तुम इस दीवार को इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? टिंकू इस दीवार को देखो, इस घने जंगल में ये दीवार कितना अजीब है ना, और ये दीवार चमक भी रही है। मैं इस दीवार को छूना चाहती हूँ। ठीक है चलो इस दीवार को छू के देखते हैं। फिर टिंकू और पिंकी उस दीवार को छूते हैं। टिंकू और पिंकी किसी दूसरी जगह आ जाते हैं। पिंकी हम कहाँ आ गए? इन पेड़ों को तो देखो, ये इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तभी अचानक एक बड़ी सी बिल्ली उनके पास आती है। टिंकू और पिंकी भागते भागते आते हैं और एक बड़ी सी मकड़ी के जाले पे गिर जाते हैं और उस पे फंस जाते हैं। बिल्ली फिर वहाँ से चली जाती है। फिर एक बड़ी सी मकड़ी टिंकू और पिंकी के पास आ जाता है। सुन परी, तुम कहाँ हो? हमें बचाओ, हम फंस गए हैं। तभी सोन परी आती है और टिंकू और पिंकी को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। सोन परी टिंकू और पिंकी को एक चिड़िया के घोंसले में ला के रख देती है। सोन परी बोलती है, टिंकू और पिंकी तुम दोनों अपनी दुनिया में नहीं हो, तुम दूसरी दुनिया में आ गए हो और मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजने के लिए रास्ता ढूंढने जा रही हूँ। सोन परी वहाँ से चली जाती है। टिंकू और पिंकी आसमान की तरफ देखते हैं। टिंकू हम कहाँ फंस गए? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। टिंकू देखो, वहाँ नीचे कितनी बड़ी सी छिपकली है। हाँ पिंकी, ये छिपकली तो हमारी तरफ आ रही है, लगता है ये हमें खाने आ रही है। सोन परी तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, हमें बचाओ इस बड़ी सी छिपकली से। तभी सोन परी आती है और अपने जादू से उस छिपकली को गायब कर देती है। टिंकू और पिंकी, मुझे वो रास्ता मिल गया है जिसे तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। सोन परी टिंकू और पिंकी को अपने साथ उड़ाते हुए ले जाती है और उड़ते उड़ते एक बड़ी सी दीवार के अंदर घुस जाती है। सोन परी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारी दुनिया में वापस लाने के लिए। अरे टिंकू, मैं हर बच्चे की दोस्त हूँ और मैं हर बच्चे को उनकी मुसीबत से बचाती हूँ। बहुत देर हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो